हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई थी 10 बजे। आज थोड़ा लेट निकले हम। 10 बजे मेरे को एक राइड आई जो थी रैपिडो में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। राइड थी 24 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 341 रुपये रैपिडो में। देख सकते हो आप, रैपिडो में एक राइड हमारी पूरी होगी। ओला उबर में हम खोलते हैं और आज देखेंगे भैया दिन भर में कितना काम होगा, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा बहुत ही खराब रहा है। और ओला तो पता नहीं क्या है कि इतनी गंदी गंदी ड्यूटी दे रहा भाई, बस क्या कहना। ओला का तो अलग ही जलवा चल रहा ओला का। तो आज है मंडे, देखेंगे क्या रहेगी स्थिति। और अभी एक कांड हो गया बम्पर पे, एक ऑटो वाले ने फिर से स्क्रैच मार दी भाई साहब। कितनी भी गाड़ी सेफ्टी से चला ले, खुद कितनी सेफ्टी से चला लोगे दूसरा मार देगा, क्या बताए। तो भैया देखते हैं आज दिन भर में क्या काम होगा क्या नहीं होगा, कंप्लीट आपको बता देंगे। तो गाइस, यहीं से एक मिल गई टर्मिनल 3 की, उनको जा रहा हूँ फटाफट पिकअप करने। मैडम कह रही भैया थोड़ा जल्दी आ जाओ, टाइम लिमिटेड है। मका हमारे पास भी लिमिटेड है, आते हैं हम भी इंतजार में बैठे, कोई बुकिंग आए हम लेके जाए। तो फटाफट से ड्रॉप करके बताते हैं फिर इनका कितना बनता है बिल। तो गाइस, अभी हूँ मैं टर्मिनल 3। राइड थी वो हमारी 24 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 296 रुपये। ये राइड थी ओला में, जिसको लाया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। और अब चलते हैं टर्मिनल 2 की तरफ, वहीं से बुकिंग उठाएंगे। टर्मिनल 3 से नहीं उठाता हूँ मैं, बहुत कम उठाता हूँ। तो चलते हैं टर्मिनल 2, बताते फिर आप कौन सी आती। तो गाइस, एयरपोर्ट से काफ़ी देर इंतजार करने के बाद एक छोटी सी राइड आई जो थी DLF कीर्तिनगर करमपुरा। DLF करमपुरा जो है राइड थी, और भैया टाइम बहुत लगा। 21 किलोमीटर की राइड थी, 222 रुपये मेरे को दिए और एक घंटा पूरा लग गया इसमें। मैं 200 रुपये की राइड में दिल्ली में घंटे भीतर घंटे। तो देखते भैया यहाँ से कहाँ की आ रही है। आ रही है 100-200 रुपये की, नहीं उठाऊँगा भाई, लंबी राइड उठाऊंगा जा। टुचमुच में कुछ नहीं होता, यहीं खड़े हुए घुमा जाऊंगे इधर से इधर इधर से इधर जाम में। थोड़ा लंबी राइड मिलेगी तो कुछ होगा, नहीं तो उठाऊंगा नहीं भाई। ये आ रही लाजपत नगर की, एक घंटे दिखा रहा 270 रुपये दिखा रहा, 250 देगा यूँ। तो गाइस, मास्टर राइड मिल गई थी मेरे को बसंत कुंज की। राइड थी 23 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 281 रुपये, छोड़ने में लगा एक घंटा। दिल्ली की तो कोई भी राइड हो 20 किलोमीटर की 22 किलोमीटर की, छोड़ने में एक डेढ़ घंटा। तो अब करते हैं आते डिवाइस ऑन दोनों तीनों में और देखते हैं भैया कहाँ की मिलेगी। वहाँ भी सोचते रहे थे मगर कोई लंबी मिल जाएगी, लेकिन नहीं लंबी मिली। तो फिर मगर भैया जो मिल ली अपना उठा के चलो, कुछ तो मिले यार। आज तो दिल्ली के बाहर के दर्शन हुए ही नहीं, कोई ऐसी राइड आई नहीं। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि काम इतना बिल्कुल डाउन ही हो रखा है। सैटरडे संडे मंडे तीसरा दिन हो गया आज, तो चलिए बता। तो गाइस, घूमते घूमते आ लिया वसंत बिहार, वसंत कुंज से वसंत बिहार। कोई राइड अभी तक नहीं आई भाई साहब, मंडे भी आज हमारा ऐसे ही रहेगा। और मुझे लग रहा है कि अभी तो 1000 रुपये का काम हुआ है और 1000 में ही मामला फिनिश हो रहा है, क्योंकि कल तो 1800-1900 रुपये हो भी गए थे, परसों भी हो गए थे, आज उतने भी नहीं लग रहे भाई, क्या बताए यार, किस कदर से हालत ख़राब हो रही है। तो गाइस, वसंत बिहार से मेरे को एक राइड मिल गई जी जो थी टर्मिनल 2, और 14 किलोमीटर की राइड थी, जिसका मेरे को दिया 184 रुपये। आप देख सकते हैं कंप्लीट। अब भैया आगे टर्मिनल 2 पे, यहाँ से देखते हैं कोई से ऐसी मिल जाए यार 100-150 रुपये की, कब तक घुमाएंगे भाई। अब यार अगर कोई ढंकी आई तो यहाँ से लेके निकलूँगा, नहीं तो निकलूँगा सीधा घर। 750 रुपये का ऊबर में हुआ है इस मोहला में, और मतलब 1000-1200 रुपये का टोटल ही काम हुआ है। अब 1000-1200 रुपये में काम चल रहा है, इसमें नंगा नहाएगा क्या, निछोड़ेगा क्या। 500-600 रुपये की गैस लगने वाली है, क्योंकि गैस तो भाई उतनी फूकती है, 500 रुपये की अब तक फूक चुकी है। और
यार ये 200 200 रुपए की वसंत कुंज की। अब वसंत कुंज में को घूमता फिर रहा था सारे को। तो गाइस घर आ चुका हूँ मैं। कोई भी राइड वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी सही नहीं भैया, वही 200 300 रुपए की। अब मैं 200 300 रुपए की लेके इधर उधर जाता फिर तो होम के लिए इंतजार करते रहे। बस छोड़ो, फिर मैंने वहाँ से 5 सवारी पकड़ी 100 रुपए की और लेके घर चल दिया अपना। उन्हें उतार दिया वहाँ से सेक्टर 1 की बत्ती में और आगे भैया घर। तो आज के काम की अगर बात करी जाए तो काम 1300 1400 रुपए का काम हुआ, 1400 को मान लीजिए भाई। 3 4 बुकिंग आपने देख ही ली और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। तो भैया समय 7 बज गए, 7:15 बज गए, 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, 7:30 बजे मान लो। CNG की बात करी जाए, पूरा एक सिलेंडर 500 रुपए की CNG तो फूकी गई, 500 सवा 500 रुपए की। हाँ भैया 500 की नहीं, 400 रुपए की CNG फूकी। अब इसमें 1400 रुपए में 400 रुपए की CNG फूकी, 1000 रुपए बचे उसमें। 1000 रुपए की तो गाड़ी का किस्त का ही यार खर्चा ही बैठा है, मतलब गाड़ी का ही खर्चा निकला आज और कुछ नहीं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, अच्छा काम हुए, पूरा हफ्ता बहुत मंदा चल रहा है, लेकिन क्या करें भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड बाय। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय बाय बाय।